नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आप अगर दिन को रात कहें ना तो शायद कोई यकीन कर ले, लेकिन अगर आप कहें कि कांग्रेस में सब ठीक हो गया है, गुटबाजी खत्म हो गई है, कलह खत्म हो गई है, तो शायद ही कोई यकीन करे। यूं कहें कि कोई यकीन नहीं करेगा। कांग्रेस में कलह की महाभारत का चौथा अध्याय आज लिखा गया। 3 दिनों तक आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले सिंघार साहब को कैप्टन कमलनाथ ने जैसे ही पैवेलियन का रास्ता दिखाया, दूसरे छोर से राजा जी के दरबारी मंत्री विरोध में सक्रिय हो गए। नतीजा ये कि मंत्री को पार्टी से बाहर निकालने की मांग होने लगी। सिंघार को अकेले पड़ते देख महाराज रणभूमि में कूदे और समर्थन का वरदान दे दिया। इधर अजीज कुरैशी ने कहा कि उमंग सिंघार तो बीजेपी के आदमी है। शोभा ओझा ने मासूम मीडिया को समझाया कि सब ठीक हो गया है। तभी सुरेंद्र शेरा प्रकट होकर बोले कि इस लड़ाई से हमें हमारा भविष्य अंधकारमय लग रहा है। यह सब चल ही रहा था कि इस पूरे झगड़े पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली से आदेश आया कि अध्यक्ष तो कमलनाथ ही बने रहेंगे, जिसका आशय था कि मगजमारी बंद कर दो, किसी को अध्यक्ष नहीं बना रहे। सवाल यह है कि क्या यह तूफान थमा है? थमा है तो कितने दिन के लिए थमा है? क्या वाकई सब ऑल इज वेल हो गया है या फिर ये इंटरवल है और घायल योद्धा मौका मिलते ही फिर वार करने टूट पड़ेंगे? यानी क्या पिक्चर अभी बाकी है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। सीएम से मिलकर उमंग ने साधी चुप्पी। दिग्गज समर्थकों ने की मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। उमंग को मिला सिंधिया का साथ। अब भी परेशानी में हैं कमलनाथ। कांग्रेस गृह युद्ध का यह है इंटरवल, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। कल तक मीडिया वालों को बुला बुलाकर दिग्विजय के खिलाफ जहर उगल रहे मंत्री उमंग सिंघार के सुर 12 घंटों में ही बदल गए। सीएम कमलनाथ ने उन्हें कौन सी घुट्टी पिलाई या फिर फटकार लगाई, ये तो वो ही जाने, लेकिन असर ये हुआ कि अब उमंग की तरंग खत्म हो गई है। 3 दिन से मोर्चा खोले मंत्री ने तंबू समेट लिया और मोर्चा संभाला दिग्गज समर्थकों ने। मंत्री के बंगले के बाहर जाकर राजा साहब जिंदाबाद के नारे लगाए, मंत्री को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की और मंत्री का पुतला जलाकर अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। यानी ऐसा लगा कि दांव उल्टा पड़ने लगा। दिग्गी के दरबारियों ने तो यहां तक कह दिया कि उमंग सिंघार जहां भी जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे। सकपकाए से सिंघार फीकी हंसी के साथ केवल इतना कह रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक है, कोई संवैधानिक संकट नहीं। सहायक आबकारी आयुक्त की सरकारी बलि चढ़ने पर उन्होंने कहा, सीएम ने जो करना था कर दिया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कल शाम को माननीय कमलनाथ जी से समय मांगा था मैंने मिलने का, उन्होंने समय दिया। उनसे पूरी बात जो मुझे कहनी थी वो कह चुका हूँ और साथ में ही दीपक बाबरिया जी हमारे संगठन के महासचिव, उनसे भी रात को फोन पे चर्चा हुई, तो जो मेरे कहना था वो मैंने पार्टी फोरम पे अपनी बात की। मैं अब जो कह चुका हूँ अलग बात है और जो मुझे पार्टी में कहना था वो भी मैं कह चुका हूँ, तो अब मैं इस पर टिप्पणी करना दोबारा नहीं। पार्टी के सारे नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे रहे और मीडिया को भोला समझते हुए कहते रहे कि पूरा मसला सुलझा लिया गया है, अब नेता सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। यानी राजा वर्सेस मंत्री का केस अब बंद हो चुका है। जब लेकिन राजा और मंत्री की लड़ाई में महाराज कैसे पीछे रहते, सो बोले कि मंत्री उमंग सिंघार ने जो मुद्दे उठाए थे उन्हें सुना जाना चाहिए था। यानी इंटरवेल में ही फिल्म खत्म होना महाराज को रास नहीं आया। आरोप गंभीर हैं और इस पर जरूर, जैसे मैंने कहा कि दोनों पक्षों को बैठाकर सलाह मशवरा होना चाहिए। सरकार को अपने दम पे अपने आधार पर चलना चाहिए, किसी का हस्तक्षेप सरकार में नहीं होना चाहिए, कि सरकार को स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए। और जो मुद्दे आए हैं मुख्यमंत्री को उमंग जी की भी बात सुननी चाहिए और जो सत्य है उस पर कार्य होना चाहिए।
आग में घी डालने को आतुर बैठे शिवराज सिंह भी सिंघार के वकील हो लिए और तुरंत सिंघार में छिपे आदिवासी तत्व को उजागर करते हुए कहा कि एक आदिवासी मंत्री के बोलने पर उसके साथ ये व्यवहार किया गया, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और इसे पूरे समाज का अपमान बता दिया गया। अंतर विरोध थोड़ी, बाहर विरोध है, अंतर थोड़ी है, सब बाहर ही चल रहा है। कोई ग्वालियर में बोल रहा है, कोई भोपाल में बोल रहा है, कोई धार झाबुआ में बोल रहा है, काय का अंतर विरोध, सारी चीजें सामने, कौन सरकार चला रही है, साफ होना चाहिए। इधर डगमगाती सरकार को देख विधायक शेरा की टेंशन बढ़ गई। मिनिस्टर इन वेटिंग शेरा के बयान स्वादानुसार एक बार फिर बदले और इस बार तो उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य ही अंधकारमय नजर आने लगा। संकट में सरकार नहीं है, संकट में संगठन है, कांग्रेस संगठन संकट में है। कांग्रेस जब नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो संगठन हिंदू है। इस हिसाब से सबसे पहले हमें पार्टी अध्यक्ष अपॉइंट करना चाहिए जल्दी से, कोई मजबूत पार्टी अध्यक्ष बने, इससे पूरे संगठन को संभाले, सबको लेके चले, डिसिप्लिन एक्शन ले, जो भी एक दूसरे का अग्रेशन बोल रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उन सबको बैठा के सभा में बैठाए और एकता। कुल मिलाकर कांग्रेस खुद को जितना ढांकने की कोशिश कर रही है उतना ही उघड़ते जा रही है। आपसी कलह और गुटबाजी चरमोत्कर्ष पर है। ऐसे में कोई बच्चा भी ये दिलासा नहीं मानेगा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। सब अगले सियासी ड्रामे के इंतजार में हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।